दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एनसीसी 11 महाराष्ट्र बटालियन की ओर से 7 अप्रैल को शहीदों के परिजनों के सम्मान में शहीद स्मारक परिसर में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें डायरेक्टर जनरल एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह द्वारा भेंट किए गए स्मृति चिन्ह एडिशनल डायरेक्टर जनरल महाराष्ट्र वाईपी खंडूरी व ग्रुप कमांडर एसके झा के मार्गदर्शन में कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सीपी भादौला के हाथों 8 वीर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। पोहरा देवी में 7 से 11 अप्रैल के दौरान पोहरा देवी यात्रा का आयोजन किया गया है। देश के असंख्य बंजारा समाज बंधुओं का पोहरा देवी यह मुख्य श्रद्धा स्थान है। पोहरा देवी यात्रा में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात व राजस्थान से 2 से 3 लाख बंजारा समाज के भक्त आते हैं। प्रदेश के आपूर्ति व ग्राहक सुरक्षा मंत्री छगन भुजबल का गुरुवार दोपहर अकोला के शिवनी हवाई अड्डे पर आगमन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने उनका स्वागत किया। भुजबल अकोला में एक विवाह समारोह में उपस्थित होने आए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए एडी के कार्यवाही पर सवाल भी उठाए। वाशिम शहर के अकोला नाका परिसर में होटल इवेंटो के पास गुरुवार की सुबह 7:30 बजे के दौरान पुणे से यवतमाल जा रही एक निजी ट्रैवल और समृद्धि महामार्ग पर पानी ले जा रहे टैंकर की आमने सामने टक्कर से भीषण दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत व 8 लोग जख्मी हो गए हैं। चिखलगांव में निरंजन लोनकर के खेत में जुआ खेले जाने की जानकारी एसपी के विशेष दल को मिली थी। इस सूचना के आधार पर दल ने कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों से 33,000 मूल्य का माल जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ पातुर पुलिस थाने में जुआ प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। शहर के तैराक महीनों से वसंत देसाई स्टेडियम का स्विमिंग टैंक शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्विमिंग शुरू होने का मुहूर्त ही नहीं बन पा रहा। अप्रैल की 1 तारीख को निविदा खुलने की उम्मीद थी, लेकिन पुनर्निविदा के फैसले ने तैराकों को निराश कर दिया। अब नई निविदा प्रक्रिया के चक्कर में अप्रैल माह के अंत तक स्विमिंग शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 01033 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई नागपुर अकोला से होते हुए समर स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल से 4 जून तक हर शनिवार को रात 12 बजे मुंबई से रवाना होगी, जो दोपहर 3:30 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वही 01034 नागपुर से 10 अप्रैल से 5 जून तक हर रविवार को दोपहर 1:30 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। जिलाधिकारी नीमा अरोरा की संकल्पना से जिलाधिकारी कार्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में वहां पर मौजूद लोगों की जांच में ब्लड शुगर, ईसीजी, बीपी तथा हृदय से संबंधित बीमारी की जाँच की गयी। जाँच शिविर में जिलाधिकारी के अलावा निवासी उप जिलाधिकारी संजय खटसे उपस्थित थे। शिवाजी महाविद्यालय के सामने रसवंती की आड़ में एक युवक क्रिकेट सट्टे पर खायवाड़ी कर रहा है, ऐसी जानकारी रामदासपेट पुलिस को मिलते ही दल ने छापामार कार्रवाई कर आरोपी 44 वर्षीय राजेश पुंजाजी दौन को गिरफ्तार कर लिया। दल ने आरोपी के पास से 66,000 रुपए का माल जब्त किया। वाशिम जिले के काली के एक किसान के खेत की गलत नापजोक को फिर से सही करने को लेकर किसान से उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय की सर्वेक्षक ने 30,000 की रिश्वत मांगी, जिसको स्वीकारते हुए सर्वेक्षक माया देवी रघुनाथ तलवार को वाशिम एसीबी के दस्ते ने रंगे हाथों पकड़ा है। अकोला के भूमि अधीक्षक कार्यालय में भी भ्रष्टाचार का प्रमाण बढ़ गया है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।